हे गाइस, आज हम देखेंगे मैडी, भारत एंड स्पाइस एएसएमआर के बीच में फूड ईटिंग चैलेंज। तो चलिए गाइस देखते हैं। दिस इज वेज बिरयानी, वेज पुलाव, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये देखिए गाइस, मैडी एंड भारत के बीच में सिमिलर काइंड ऑफ फूड ईटिंग चैलेंज। दोनों के फूड ना देख के मुझे सिमिलर काइंड ही लग रहा है, एक तरह की ही फूड है जो दोनों खा रहा है, बहुत ही अच्छा है गाइस। Starting with crispy bread rolls. So yummy. ये देखिए गाइस, एक और फूड ईटिंग चैलेंज, ये मैगी नूडल्स और कुछ फ्राइज है, ये भी मुझे सिमिलर ही लगा है। गाइस आपको कैसे लग रहा है प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। ये देखिए गाइस, स्पाइस एएसएमआर एंड भारत के बीच में फूड ईटिंग चैलेंज हो रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ फूड। और मुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि फूड को सजाया भी एक ही तरीके से गया है। देखिए गाइस, आपको कैसा लग रहा है प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आज तो बहुत स्पाइसी होने वाला है।
फ्राइड राइस का। वेज फ्राइड राइस को मुंह में लेते ही बहुत एक प्यारी सी केवरा वाटर का खुशबू फ्रेग्रेंस आया, मजा आ गया। यहाँ पे लेते हैं चिकन की ग्रेवी। ये देखिए गाइस, ये भी मुझे सिमिलर ही लगा है। मैडी और भारत के बीच में फूड ईटिंग चैलेंज गाइस, सिमिलर काइंड ऑफ फूड। वाह, दिस इज लुकिंग सो टेम्प्टिंग। गाइस, आप सबको यह फूड चैलेंज कैसे लग रहा है? आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, प्लीज मुझे बताइए। दिस चिकन शावरमा रोल इज जस्ट ऑसम मैन। देखिए सेम काइंड ऑफ रोल जैसा है, कुछ है बहुत ही बड़ा है, बड़ा साइज का है। बहुत टेस्टी होता है ये।
जो फ्राइड राइस है जो मैंने बनाया था, थोड़ा सा टैंगीनेस देने के लिए मैंने इसमें एंड में और ये देखिए गाइस डाल दिया था लेमन के ड्रॉप्स डाले थे। सेजवान राइस आई थिंक बढ़िया, इसमें टैंगी टेस्ट आ रहा है। बाकी इसमें जो शेजवान का फ्लेवर है लॉलीपॉप जैसा कुछ है, आउटस्टैंडिंग सीरियसली, इट्स वेरी टेस्टी। ज्यादा अच्छा लग रहा है कि तो बहुत ही सभी फूड ना बहुत ही ज्यादा यम्मी लुकिंग है। इसमें तो खाली खाली कैप्सूल खाने में मजा आ रहा है। आप सबको शायद पता नहीं होगा बट मैं चौमिन का दीवाना हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।